नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे THE का उच्चारण, अर्थात THE को कब दा पढ़ा जाता है और THE को कब दी पढ़ा जाता है। अगर कंसोनेंट अर्थात व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले THE आता है तो उसे दा पढ़ा जाता है। यदि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले THE आता है तो उसे दा पढ़ा जाता है। जैसे दिस इज द बॉय, जो बॉय शब्द है वो व्यंजन से शुरू हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इट इज द पेन, जो पेन शब्द है वो भी व्यंजन से शुरू हुआ है, इसीलिए जो इससे पहले THE आया है उसे द पढ़ा गया है। जब वोवेल अर्थात सुर से शुरू होने वाले शब्द के पहले जब THE आता है तब THE को दी पढ़ा जाता है। जब सुर से शुरू होने वाले शब्द के पहले THE आता है तो उसे दी पढ़ा जाता है। जैसे दिस इज दी आंट, जो आंट शब्द है वो सुर से शुरू हुआ है, इसीलिए THE को दी पढ़ा गया है। दूसरा उदाहरण है, दैट इज दी ऑक्स, जो ऑक्स शब्द है वह है सुर से शुरू हुआ है, इसीलिए THE को दी पढ़ा गया है। अगर THE के बाद आने वाले शब्द पर हम जोर देना चाहते हैं तो THE का उच्चारण दी होता है, चाहे वह शब्द कंसोनेंट से ही शुरू क्यों ना हो। जब हम THE के बाद आने वाले शब्द पर जोर देना चाहते हैं तो THE का उच्चारण दी हो जाता है, चाहे वह शब्द व्यंजन से शुरू ही क्यों ना हो। जैसे उदाहरण है, दिस इज दी बॉय हु ब्रोक माई विंडो, जो बॉय शब्द है उस पर जोर दिया गया है, इसीलिए THE को दी पढ़ा गया है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।